धर्म को लेके बहुत झगड़ते हैं। शायद जैसे कि वहाँ कोने में कोई रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा बैठा होगा और उसको चोट लगी, कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन आज मुझे इतना डर है कि कहीं आगे जाके, आज जितना धर्म को लेके उठते हैं सब, तो मुझे डर है कि अगर आगे जाके कोई ऐसा बच्चा पड़ा तो कोई उसको पहले उससे धर्म ना पूछे कि तू मुसलमान है या हिंदू है, अगर उससे वो पूछा गया तो शायद आगे जाके कोई उसकी मदद नहीं करेगा। ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक बहुत बड़ा ज्ञानी कोई संत को भाषण दे रहा हो? 13 वर्ष की ही है आपकी उम्र, में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब कोई कॉमिक बुक पढ़ेगा, कोई मैगजीन पढ़ेगा, कुछ ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं। आपके अंदर ये कैसे तय हुआ कि हमें आध्यात्मिक किताबों की तरफ ध्यान देना? ये चीज मैंने मॉम डैड से सीखी है जो वहाँ बैठे हैं और जिन्होंने आज मुझे ये संस्कार दिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे संस्कार मुझे मिले आज बाकी लोगों को भी मिले, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, वो कहीं रुकने वाली नहीं है, लेकिन साथ साथ जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। कद में आपसे बड़ा हूँ, उम्र में आपसे बड़ा हूँ, आज अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ आपके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। दोस्तों, सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मरियम आरिफ सिद्दीकी को अगर आध्यात्मिक किताबों में रुचि हुई है तो इसकी वजह है इनके रोल मॉडल की, और इनके रोल मॉडल हैं इनके पिता श्री जनाब आरिफ सिद्दीकी साहब। मैं बहुत बहुत हार्दिक आपका स्वागत करता हूं। आरिफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब मरियम को भगवद गीता चैंपियनशिप का विजेता चुना गया, आपको कैसा लगा उस समय? जब मरियम 8 साल की थी, सेंट जेवियर्स में पढ़ती थी, एक सवाल इन्होंने मुझसे किया था कि डैडी हमारे क्लास में हिंदू बच्चे ज्यादा हैं, मुस्लिम बच्चे कम हैं। तो जब इसने जिक्र किया तो वो मेरे ऊपर एक दिमाग के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर हुआ कि 8-9 साल की उम्र है और हिंदू और मुस्लिम का फर्क कहां से समझ में। तब से मैं बड़ा चिंतित हो गया मरियम को लेकर, तब से मैंने इनको सभी ग्रंथों के बारे में जानकारी देना शुरू किया। मेरा अपना मानना यह है कि हम धार्मिक बाद में बने, पहले इंसान बने, और हम कोई भी धर्म पाल रहे हों अपने घर के अंदर। मैं इस्लाम का फॉलोअर हूं, मेरे घर के अंदर जब मैं दरवाजे से बाहर निकलूं तो मेरे साथ एक धर्म होना चाहिए, वो इंसानियत का। वही मैसेज मैं मरियम के साथ देना चाहता हूं। और मैं ये जानता हूं कि मुल्क बहुत बड़ा है और ये आवाज मेरी बड़ी छोटी है, लेकिन जिस तरीके घर में छोटे बच्चे की आवाज सबसे तेज होती है, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये आवाज एक वक्त तेज होगी और भी माँ बाप अपने बच्चों को इसी दिशा में लेके जाएंगे।